नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस प्रॉब्लम की जो न्यू मैरिड कपल्स अपनी लाइफ को यानी कि हनीमून लाइफ को लेके बड़े टेंशन में आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंटों को देखा है कि सर हमारी शादी है कुछ दिन बाद, या सर मेरी शादी है, मेल में ये बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी रहती है अपनी हनीमून टाइम को लेके कि सर हमारी शादी है और बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, या हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी परफॉर्मेंस ढंग से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारे जो न्यू कपल्स हैं वो इस बात की बेचैनी के पीछे मार्केट से जाने कितने तरीके की मेडिसिन ले आते हैं और उन्हें यूज करते हैं। शुरुआत में कुछ दिन से कुछ महीनों तक उनका सब चीज़ सही रहता है, उनको भी ये लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे सेटिस्फाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस मंशा से वो ये मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट कितना होता है ये उन्हें ये पता नहीं होता, क्योंकि कुछ समय इस तरीके की मेडिसिनें लेने के बाद पेशेंट लगभग नपुंसकता घेर लेती है उसको। जब पेशेंट अपने 5-6 महीने बाद हमसे मिलता है कि सर 5-6 महीने पहले शादी हुई थी तब इस तरीके की हमने मेडिसिन ले ली, कि हमारा पार्टनर जाने हमारे प्रति किस तरीके से सोचे, हम सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसको, तो इसलिए हमने वो मेडिसिन खा ली, दोस्तों ने बता दी, या मेडिकल से पूछ के हम स्वयं ही ले आए, किसी से डिस्कस नहीं किया। आज उसकी बदौलत हम बिल्कुल ख़त्म से होते जा रहे हैं और हमारा जो स्टेमिना है, सेक्सुअल स्टेमिना है, वो बिल्कुल ही वीक हो गया, ये मानिए कि नाम मात्र का रह गया, या बहुत जल्दी हम ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके की ये मेडिसिन आप कुछ दिन के शौक के लिए अपनी लाइफ को खतरे में ना डालें दोस्तों। 4 दिन के शौक बची हुई जिंदगी को टेंशन में डाल सकते हैं, तो इस तरीके से ये भूल ना करें। ऐसा कोई विशेष नहीं है, जाने किस धारणा से आप ये चीजें खा लेते हैं, ये मैं भी समझ में नहीं पा रहा। पेशेंट आता है, सर ये खा लिया इस तरीके से हो गया। एक्चुअली में नॉर्मल जो होता है हर व्यक्ति का 30 सेकेंड से 2-3 मिनट तक का ही स्टेमिना पावरफुल होता है, बाकी बात ये नेचर है सभी का, अपनी अपनी बॉडी का, कि इसके बाद दोबारा रिकॉल के लिए आप कुछ समय या कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद आप एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बस हमें आज ही पता नहीं है क्या उखाड़ना है तो मेडिसिन खा गए और खुद परेशान है, सामने वाला पार्टनर परेशान है और आगे की लाइफ आपकी परेशान होने वाली है। तो दोस्तों यही मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाह रहा हूँ। आप जैसे भी हैं मेंटली सेटिस्फाई रहिए, इस तरीके के स्टेरॉयड या मेडिसिन आप यूज ना करें जो भविष्य में आपको और आपके पार्टनर को दुखी रखे। इस तरीके की मेडिसिन हमेशा साइड इफेक्ट छोड़ती हैं। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन आती हैं वो आप यूज कर सकते हैं, यदि ऐसा आपको लग रहा है भय है तो, जिसके बाद आपको उनका कोई साइड इफेक्ट या इस तरीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। जैसे पहली मेडिसिन है अपनी लाइकोपोडियम 200, कुछ डोज ले सकते हैं, उसे स्टेमिना में थोड़ी बहुत इंक्रीजमेंट आता है लेकिन एबनॉर्मल कुछ नहीं होता। एसिड फोर्स है वो आप अपनी मैरिड शादी से कुछ दिन पहले यूज कर सकते हैं। कैलेडियम है एक्साइटमेंट और वो पहले से ही बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन ये फिक्स कर रखा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कैलेडियम भी यूज कर सकते हैं कुछ दिन। ये प्योर मेडिसिन है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता एक बार यूज करने के बाद, ऐसा नहीं कि आप बार बार इनको यूज करते रहें या जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। बाकी किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन ना लें, ये बहुत अच्छे से अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस तरीके की धारणाएं रखना बिल्कुल गलत है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।